Hey guys, hope you all are doing well, and in this video I'm gonna talk about on Patthar Chatta and their benefits and how can you grow from cutting as well as from leaves. So without further ado, let's start the video. So firstly I'm gonna talk about their benefits. So benefits इसके ये हैं कि जो आपकी kidneys में या किसी के भी जो kidneys में पथरी होती है, स्टोन होता है, उसको बाहर निकालने के लिए इसका जो लीव है वो बहुत ही अच्छा होता है. सो जो इसका लेने का तरीका है वो मॉर्निंग में आप दो लीव्स और इवनिंग में आप इसे क्लीन करके इसके लीव्स को और इवनिंग में दो और मॉर्निंग में दो दो करके आप ले सकते हैं. अगर साइज़ छोटा है तो आप 3-4 भी कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द साइज़ आप इसे मेडिसिन के तौर पर ले सकते हैं और इसका बहुत ही क्विक रिज़ल्ट होता है और बहुत कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता. और इसका टेस्ट भी खट्टा सा होता है, आई थिंक सिट्रिक जैसा होता है, जैसे अचार का होता है. और आप बहुत ही इजीली इसको अपने घर में लगा सकते हैं या नर्सरी से परचेज कर सकते हैं. अगर आपके पास एक सिंगल लीव भी है तो आप उससे बहुत ही ईजिली इसको ग्रो कर सकते हैं और एक लीव से आप सैकड़ों प्लांट्स बना सकते हैं. सो आप देख सकते हैं इस पॉट में ऐसे ही लीव डाल दिए थे, ये अपने आप ही ऐसे ग्रो हो गया और बहुत सारे ग्रो हो गए हैं इसमें. बहुत ही अच्छा भी लगता है. अगर आपको आपने गार्डन में इसे डेकोरेट करना है तो आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं. ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और मेडिसिनल तो है ही, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं. बहुत ही ईजी टू ग्रो है और बहुत ही लेस केयर की इसको ज़रूरत होती है. आपको कुछ इसमें ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है. आप बस एक कहीं किसी भी मिट्टी में, किसी भी सॉइल में बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाता है. आप कहीं पे भी एक लीव डालेंगे तो ग्रो हो जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीव है, वो ऐसे ही पॉट में पड़ा हुआ था और उसमें आप इसके रूट्स देख सकते हैं. बिल्कुल एक केयर की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही अच्छे से आपके पॉट में ग्रो हो जाता है. और इसे आप अपने पॉट में ज़रूर लगाइए क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसको जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपको पता ही है. सो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है. आप देख सकते हैं मेरे हर पॉट में ये कहीं ना कहीं ग्रो ही हो जाता है. इसके कहीं पे भी लीव करते हैं ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है. सो आप इसे ज़रूर अपने पॉट में ग्रो करें एंड बहुत ही अच्छा सा लगता है, ग्रीनिश टाइप का, बहुत सुंदर लगते हैं. आप देख सकते हैं तो छोटे से मैं यहाँ इसकी एक दो लीव थी और इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया. आप देख सकते हैं नीचे की साइड ऐसे ही अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं. सो इन फ्यूचर अगर मैं इसे कुछ ढंग के पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं पीछे बहुत सा मतलब पेंट नहीं हो रखा है तो अजीब सा लगता है, बट इन फ्यूचर मैं आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी. थोड़ा पेंट हो जाएगा तो मैं आपको एग्जैक्ट. और ये मैंने पानी में एक बार, वाटर में एक बार इसके मतलब इसके रूट्स कैसे ग्रो होते हैं मैंने वो देखने के लिए ट्राई किया था और बहुत ही ईजिली इसमें भी ग्रो हो गया है. आप देख सकते हैं इसमें मतलब गर्मी के टाइम में क्या होता है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण इसके जो लीव्स हैं वो गल जाते हैं. सो फिर भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर गया, इसमें रूट्स निकल गए हैं और इसमें भी ये ग्रो हो जाता है मुझे लगता है. बट अभी मैं इसको निकाल दूँगी इसमें से, बट इसमें भी एक सक्सेसफुल रहा, मतलब वाटर में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है. तो आप इसे वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, बट गर्मी में शायद ये प्लांट ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता. बट हाँ, आप इसके रूट्स अगर जर्मिनेट करना चाहते हैं तो इसमें भी जर्मिनेट हो जाते हैं, इजीली हो जाता है. और ऐसे ही आप अपने गार्डन को डेकोरेट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए. एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर and comment in below comment section. And if you have any other suggestion for me, please share it. So that's enough for today. Thank you. Bye bye.